हारु एक 20 साल का कॉलेज स्टूडेंट है जो अपनी बचपन की फ्रेंड से प्यार करता है, जो कि पहले से ही रिलेशनशिप में है। हारु अपना टाइम मार्शल आर्ट सीखने में लगाता है। एक दिन बस में स्कूल से आते टाइम वो ट्रेन से एक्सीडेंट में मर जाता है और वो एकदम से अपने आप को एक दूसरी दुनिया में रियो के नाम के बच्चे की बॉडी में पाता है और उसे अपनी एक्चुअल लाइफ थोड़ी ही याद होती है। एकदम से उसके पास का दरवाजा खुलता है और अननोन लोग अपने साथ एक थैला लेके अंदर आके बैठ जाते हैं और टेबल पर बैठ के कुछ खाने लगते हैं। वो रियो को बाहर जाने को कहते हैं, नहाने को बोलते हैं बिकॉज उसमें से बहुत बदबू आ रही थी और उससे खाने की टेस्ट खराब हो रहा था। रियो खुद भी बहुत भूखा है लेकिन वो बात मानता है और बाहर चला जाता है। और जैसे वो बाहर जाता है तो उसे याद आता है कि वो अपने मदर के साथ रहा करता था और एक दिन उनको किसी ने मार दिया और उसे अपनी लाइफ बचाने के लिए वहां से भागना पड़ा था। एकदम से इन मेमोरीज को याद करने की वजह से उसके सर में दर्द होने लगता है और फिर उस तरफ चार लड़कियों का ग्रुप आता है और उसमें से सबसे बड़ी लड़की पूछती है कि क्या उसने एक पर्पल बाले वाली लड़की को देखा है। वो मना करता है लेकिन एक सिल्वर बाले वाली लड़की आती है और प्यार से अपना नाम सीलिया बताती है और सेम पर्पल वाली लड़की के बारे में पूछती है। वो दूसरे लोगों को बताती है कि रियो के अंदर बहुत सारी मैजिकल एनर्जी है जो छोटे बच्चे होने की बजाय बहुत ज्यादा है और उससे वो हैरान होने वाली बात है। फिर उसे और कोई एनर्जी नहीं मिली और वो स्लम्स में जाने का डिसाइड करती है। रियो उनसे बोलता है कि तुम अपनी ड्रेस चेंज कर लेनी चाहिए, उस तरह की ड्रेस पहन के इस सिटी में सुरक्षित नहीं हो। सीलिया रियो को थैंक यू बोलती है और उसे इस इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत सारे पैसे देती है। रियो ये देख के बहुत सरप्राइज हो जाता है कि उसने कितने सारे सिल्वर कॉइन्स उसे दिए हैं और पेंडेंट की तरह उसे पहन लेता है और फिर घर के अंदर चला जाता है। जैसे ही वो घर के अंदर जाता है एक आदमी उसे चाकू मारने का कोशिश करता है और वो चाकू कॉइन्स के बैग में जाके लगता है। रियो बच गया। रियो देखता है कि बहुत सारे लोग मरे हुए और जमीन पर पड़े हैं लेकिन वो आदमी रियो पर अटैक करने वाला होता है तो एक औरत आ जाती है और उसके आगे खड़ी हो जाती है और रियो को अपना मैजिक यूज करने को कहती है और उससे अपनी दूसरी लाइफ से मार्शल आर्ट ट्रेनिंग याद आती है और फिर अटैकर को पंच कर देता है। अटैकर अपनी मैजिक एबिलिटीज को यूज करता है लेकिन रियो बच जाता है और लात मारता है उसके फेस पर। अटैकर रियो पर दोबारा अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन रियो दोबारा डॉच करता है और उसका हाथ तोड़ देता है। इससे अटैकर हैरान हो जाता है कि एक बार फिर ट्राई करता है लेकिन रियो उसे जमीन पर पटक देता है जिससे वो बेहोश हो गया था। वो फिर उस थैले में से कुछ आवाज आने लगती है और उसमें से एक पर्पल हेयर वाली लड़की बाहर आती है जो मरे हुए लड़कों को देखकर हैरान हो जाती है और बेहोश हो जाती है। रियो उसे अपनी कमर पर उठाता है और बाहर सीलिया को ढूंढने जाता है। उन्हें दूर से देख लेता है लेकिन उन लड़कियों को लगता है कि रियो ही किडनैपर है। वो ओल्ड वुमन जिसने अपना नाम वेनेसा बताया था कहती है कि रियो को उनके साथ पैलेस आना पड़ेगा और बाद में डिसाइड होगा कि वो निर्दोष है नहीं। रियो को पैलेस ले जाता है और वहाँ उसे एक चार्ल्स नाम के आदमी को सौंपा जाता है जो उसे जेल में डाल देता है और उसे अपना ही मैटर सुलझाने की कोशिश करता है, उसे मारता भी है जिसकी वजह से रियो बेहोश हो जाता है। फिर सीलिया वहाँ आती है और उसे जेल से निकाल के अपने साथ ले जाती है और जब वो अगले दिन उठता है तो अपने आप को बेड पर पाता है सीलिया के साथ और सीलिया उससे माफ़ी मांगती है और चार्ल्स के एक्शन के लिए। वो रियो को बताते कि प्रिंसेस उठ चुकी है और उन्होंने सबको बताया है कि तुमने उन्हें बचाया था। रियो को अब किंग के पास जाना होता है इसलिए वो ड्रेस पहनता है और जब वो किंग के पास जाता है तो वो किंग उससे बहुत खुश होता है कि उसने उसकी बेटी की जान बचाई है और वो उसे अपनी अकेडमी ज्वाइन करने के लिए कहते हैं। उसकी टीचर सीलिया होगी चाहे वो 12 साल की क्यों ना हो लेकिन वो बहुत इंटेलिजेंट है और ग्रेजुएशन कर चुकी है। रियो को नहीं पता कि कैसे पढ़ना और लिखना है लेकिन फिर भी उसकी क्लास अटेंड करता है जहां दूसरे क्लासमेट्स उसे बार बार चिढ़ाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि रियो लो क्लास से है। एक स्टूडेंट जिसका नाम एल्फनोज था पहले दिन से ही रियो से नफरत करने लगता है। बाद में उस दिन सीलिया रियो को ट्यूशन के लिए इन्वाइट करती है और यह देखकर हैरान हो जाती है कितनी जल्दी उसने मैथमेटिक्स सीख ली है। रियो एक कॉलेज स्टूडेंट है तो उसे यह सब पता है। रियो सीलिया से कुछ एलिमेंट्री बुक्स मांगता है ताकि वो अल्फाबेट सीख सके। फिजिकल ट्रेनिंग के दौरान उनका टीचर रियो के अंदर का टैलेंट को देख लेता है और रियो से अटैक करने को बोलता है। रियो अपनी ट्रेडिशनल केंडो टेक्निक यूज करता है जो अननोन है इस दुनिया में और अल्फोनोज उसका मजाक उड़ाने लगता है लेकिन रियो टीचर पर अटैक करने लगता है तो सारी टेक्निक यूज करता था जो उसने जापान में सीखी थी। टीचर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गया था और कहता है कि तुम एक नाइट बन सकते हो लेकिन रियो कहता है कि उसे नाइट बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और पढ़ाई में बहुत मेहनत करता है और बहुत सारे अच्छे मार्क्स लाके वो क्लास में आगे बढ़ना चाहता है जिसकी वजह से प्रिंसेस क्रिस्टीना के साथ बैठता और प्रिंसेस फ्लोरा की बड़ी बहन जिसको रियो ने बचाया था। 5 साल बीत चुके हैं उसकी अकेडमी में आए हुए और अब वो बड़ा हो चुका है। उससे अब स्वॉर्डमैनशिप टीचर बुलाते हैं और नाइट के अगेंस्ट एक टूर्नामेंट के लिए सिलेक्ट करते हैं। फाइट का दिन नज़दीक आता है और उसको उस आदमी के साथ पेयर किया जाता है जिसने उसका मजाक उड़ाया था और उसको मारा था और उसका नाम चार्ल्स था। लड़ाई के दौरान नाइट्स को बच्चों के अगेंस्ट आराम से लड़ना था लेकिन मैलिस और चार्ल्स नाइट्स को हमला करने के लिए उकसाते हैं।
रियो शांत है बिल्कुल और अपनी ट्रेडिशनल केंडो टेक्निक यूज़ करके चार्ल्स को हरा देता है। ग्रेजुएशन अब पास में और बहुत सारे स्टूडेंट्स को ग्रुप में डाला गया था ताकि वो एक जंगल में अभियान को लीड कर सकें। अल्फोनोस यूनिट लीडर है और रियो को सबके बैग पकड़ने को ऑर्डर देता है, जो रियो बिना किसी बहस के करता भी है। प्रिंसेस फ्लोरा रिया के लिए सिंपैथी दिखाते हैं लेकिन क्रिस्टीना इन सबसे दूर रहती है क्योंकि उसे उसमें इन्वॉल्व नहीं होना। एकदम वहाँ कुछ गोलॉब्लिन्स आ जाते हैं जिसको वैनगार्ड भगा देते हैं। वो फॉरेस्ट के थ्रू आगे जाते हैं तो उनका रास्ता वहाँ आगे ख़त्म होता है और वहाँ वो रुक जाते हैं और वापस चल के दूसरा रास्ता ढूंढने का डिसाइड करते हैं, लेकिन उनका वहाँ ऑर्क्स अटैक कर देते हैं जो उन पर स्पीयर्स फेंकने लगते हैं। एक स्फीयर करके स्टुअर्ट को लगता है और उसको हर्ट कर देता है। नोबल जो रियो से चिढ़ता है वो चिल्लाने लगता है और फ्लोरा से जाके टकरा जाता है जिससे फ्लोरा चट्टान से नीचे गिरती है। रियो बहुत क्विक है और वो चट्टान से नीचे कूद जाता है और फ्लोरा को पकड़ के वापस फेंक देता है, लेकिन सक्सेसफुल लैंडिंग करता है अपने मैजिक को यूज़ करके जो कि उसने कभी देखा नहीं था। उसके बाद उसके ऊपर वापस आने की कोशिश करता है और वो और जो देखता है जिनको चीज़ ने मार दिया था। वो झाड़ियों के पीछे छिप जाता है और स्टुअर्ट और अल्फोनोस की बात करते हुए सुनता है कि रियो ने ही फ्लोरा को नीचे गिराया था। फ्लोरा उन्हें मना करती है लेकिन वो नहीं सुनते हैं। एकदम से वहाँ एक जाइंट मिनोटॉर आ जाता है और वो पार्टी पर अटैक करने लगता है। सारे अपना ग्रुप तोड़ के भागने लगते हैं लेकिन माइंड हार्टेड फ्लोर अपने ऊपर क्लास लोगों के पास जाती है और उनको हील करने लगती है। वो उनको हील कर रही होती तभी मॉन्स्टर पीछे आ जाता है और अटैक करता है। रियो भागता है और उसका हाथ काट देता है। वो फ्लोरा से भागने को कहता है और मॉन्स्टर को एंगेज करता है। फिर मॉन्स्टर रियो को अटैक करता है लेकिन रियो हर बार बच जाता है। जैसे ही रियो को मौका मिलता है तो आगे बढ़ता है और मॉन्स्टर पर अटैक करके उसको मार देता है। पूरे ग्रुप को बचाने के बावजूद भी उसे पता था कि पॉलिटिक्स की वजह से उसको ही ब्लेम किया जाएगा, इसलिए वो अकेडमी को छोड़ने का डिसीजन लेता है और किंगडम को छोड़ के चला जाता है। वो उस किंगडम की तलाश में है जहाँ से उसकी मॉम आई थी और बहुत साल पहले। वो रात को लास्ट टाइम कैसल पर जाके सीरिया से मिलने आता है और उसे प्रॉमिस करता है कि उसे लेटर्स लिखेगा। टाउन से बाहर आते ही वो ऐसे टाउन पहुंचता है जहां रोड पर स्पेगेटी बेची जा रही है। उसे ये रियलाइज़ होता है कि शायद उसके जैसे वहां बहुत लोग होंगे और दूसरा जन्म लेके इस दुनिया में आए होंगे। सिटी को छोड़ने के बाद वो एक जंगल से गुजर रहा होता है जहां एक यंग लड़की को ज़मीन पर पड़ा देखता है। वो उसके पास भाग कर जाता है और उसे उठाता है। वो लड़की उस पर पॉइजन छिड़क देती है और रियो उस पॉइजन को आसानी से ब्लॉक कर देता है और अपने फोरआर्म्स को यूज़ करके, और वो अपने मैजिक भी यूज़ करता है पॉइजन को हटाने के लिए। छोटी लड़की ये देख के पीछे हट जाती है और चाकू से अटैक करती है। वो सारे अटैक से बचता है और फिर अपनी तलवार निकाल लेता है ताकि उसको अटैक को बच सके। रियो देखता है कि उसके गले में स्लेव कॉलर है, इसका मतलब है कि वो किसी की बातों को मानकर ऐसा कर रही है। वो अपनी स्वॉर्ड गिरा देता है, लड़की उसे अटैक करते लेकिन वो बचता है हर बार। फिर उस लड़की को ज़मीन पर पटक देता है और उसके चाकू को फेंक देता है। उसके बाद लड़की रोने लगती है और सोचते है शायद अब रियो उसे मार देगा, इसलिए रियो अपना मैजिक यूज़ करके उसे सुला देता है। वो उसे बांध देता है और उसके मैजिक यूज़ करके उसके कॉलर को ठीक करता है। लड़की उससे डर जाती है लेकिन जब रियो उसे दिखाता है कि उसने स्लेव कॉलर हटा दिया है तो रिलीफ के मारे रोने लगती है। वो बोलती है कि स्टुअर्ट उसका ओनर है और उसने ही तुम्हें मारने के लिए मुझे भेजा है, अगर वो नहीं जाती तो उसे मार देता। रियो को उस पर दया आ जाती है और जब उसे लगता है कि वो नुकसान नहीं पहुंचाएगी तो उसे छोड़ देता है। वो अपना नाम लतीफ़ा बताती है जो एक डेमी ह्यूमन है और रियो अपने साथ ले जाता है। उस रात वो एक कैंप लगाता है और स्पेगेटी बनाने का सोचता है। रात को लतीफ़ा को सपना आता है और वो बोलते कि वापस टोक्यो जाना चाहती है और उसकी तरह ही वो भी इस दुनिया में पुनर्जन्म लेकर आई है, और फिर रियो उसकी देखभाल करने को डिसाइड करता है। एक साथ बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं और फिर एक जंगल में पहुंचते हैं और रियो कैंप लगाता है। रात को जलाई हुई लकड़ी भी बुझ जाती है। जब रियो कैंप के बाहर देखने आता है तो वहाँ उसे बहुत बड़ा भेड़िया मिलता है। रियो उससे पहले कुछ कर पाता उसके आगे चार डेमी ह्यूमंस गर्ल्स आ जाती हैं। वो रियो से वहीं रुकने को कहती हैं और इन्वेस्टिगेशन करती हैं कि रियो वहाँ क्यों आया है। एक लड़की टेंट में जाती है, लतीफ़ा को सोते हुए देखती है और उसे लगता है कि रियो एक किडनैपर है और एक बीस्ट गर्ल उसे अटैक करती है और डॉच करता बचने के लिए अपनी तलवार निकालता है ताकि उन्हें बता सके कि उसने गलत फहमी हुई है। एक लड़की तब पीछे से उसके पैर फंसा देती है और एक लड़की मैजिक ब्लास्ट यूज़ करके उसे गिरा देती है। फिर रियो बेड पर उठा और दो लड़कियां उसे देख रही हैं। फिर एकदम से डोर खुलता है और लतीफ़ा भाग के आके उसे गले लगा लेती है। फिर ओल्डी भी रूम में आती है और मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए सॉरी बोलती है।
चार लड़कियां जमीन पर बैठ जाती हैं और माफी मांगती हैं। रियो उन्हें वापस खड़े होने को कहता है क्योंकि एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। उनमें से एक बुड्ढा आदमी और दूसरा बौना आदमी से मिलने जाता है। वो सारे सॉरी बोलने के लिए अपना सर झुकाते हैं और रियो को विलेज में कुछ टाइम और रुकने को कहते हैं ताकि वो उसकी देखभाल कर सकें। उनकी बात सुनकर रियो मान जाता है और एकदम से ग्रीन बालों वाली औरत वहाँ आ जाती है। उसे गॉडेस माना जाता है और लोग उसकी पूजा करते हैं। वो रियो के पास जाती है और कहती है कि बहुत सारा स्पिरिट मैजिक का एहसास हो रहा है उसे। वो सेंस करने के लिए रियो का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि इसके अंदर ह्यूमन शेप की एक स्पिरिट है और सब हैरान हो जाते हैं। फिर ड्रूस बताती है जो ह्यूमन फॉर्म्स की स्पिरिट होती हैं बहुत कम पाई जाती हैं। विलेजर्स बहुत खुश हो जाते हैं और चार लड़कियां जिन्होंने उन पर अटैक किया था उनको रियो की सुरक्षा के लिए लगा गया है। रियो विलेजर्स के साथ बहुत ज़्यादा टाइम बिताता है और स्पिरिट मैजिक सीखने में बहुत मज़ा भी करता है। सब विलेजर्स स्पिरिट फेस्टिवल का वेट कर रहे हैं जो आने वाला होता है और फेस्टिवल की रात आती है और रियो एल्डर लेडी को बताता है कि वो कल विलेज छोड़ने वाला है और उसको ये बात लतीफ़ा को भी बतानी है। ओल्ड लेडी उसे ब्लेसिंग देती है और रियो लतीफ़ा को बाहर वॉक पर ले जाता है। जब विलेजर्स फेस्टिवल इंजॉय कर रहे होते हैं तो वो अपना प्लान लतीफ़ा को बताता है। वो एकदम से बोलते हैं कि उसे भी उसके साथ चलना है, लेकिन रियो कहता है कि आगे रास्ता बहुत खतरनाक है और डेंजरस भी है। लतीफ़ा रोते हुए भाग जाती है और रियो अकेले रह जाता है। और जैसे ही वो विलेज की तरफ जाता है उसी चिल्लाने की आवाज़ आती है। जहाँ से आवाज़ आती है रियो भी वहीं भाग के जाता है और एक ट्राइंग ड्रैगन ने किसी लड़की पर अटैक किया हुआ है, वो लड़की लतीफ़ा है। रियो भाग कर जाता है और लतीफ़ा को बचा लेता है। उसके बाद रियो से लड़ने जाता है और अपना स्पिरिट मैजिक यूज़ करके आसमान में उड़ता है और फिर पावरफुल अपर कट मार के किक मार के ड्रैगन को ऑफ बैलेंस कर देता है। ड्रैगन फिर एकदम से रिकवर होकर रियो पर अटैक करने का आग उगलने की ट्राई करता है, लेकिन रियो अपना मैजिक ब्लास्ट यूज़ करके ड्रैगन के मुंह पर मारता है और उसका मुंह बंद कर देता है, जिससे ड्रैगन के पेट में एक्सप्लोजन हो जाता है और ड्रैगन मर जाता है। फिर रियो और लतीफ़ा विलेज की तरफ जाते हैं और लतीफ़ा फिर रियो के विदा करने के लिए रेडी हो जाती है। विलेजर्स उसको बोन द्वारा बनाई स्वॉर्ड, ड्रैगन हाइट क्लॉक और एक स्पेशल ब्रेसलेट देते हैं जो मैजिकल स्टोरेज डिवाइस की तरह काम करता है। रियो फिर सबका थैंक यू बोलता है और फिर विलेज छोड़ के चला जाता है। 2 वीक पैदल चलने के बाद वो आखिर में एक गाँव में पहुँचता है जिसका नाम योगुमा है। वो खेतों में जाता है जहाँ 2 बोरोस काम करते हुए दिखाई देते हैं और वो उन्हें बुलाता है और पूछता है कि क्या वो उस गाँव के लीडर से मिल सकता है। उनमें से एक लड़की जिसका नाम रिवरी है अग्री हो जाती है और उसे अपनी दादी के पास ले जाती है जो कि गाँव की भी लीडर है। वो एक रूम में उसके साथ बैठती है और रियो उसे अपने पेरेंट्स के बारे में बताता है। लीडर बताते कि उसके पेरेंट्स को वो जानती है और ये पता लगता है कि रियो के फादर की मदर है वो और उसकी ग्रैंड मदर। वो उसे ग्रेव्स में ले जाती है और रिस्पेक्ट देने को बाद वो वापस आ रहे होते हैं। उसकी ग्रैंड मदर रियो उसके पास रुकने को कहती है और अगले दिन रियो उठता है और उसका कज़न उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाता है। अब ब्रेकफास्ट के दौरान उन्हें सायो और उसका बड़ा भाई भी साथ रहते हैं। सबको खाना बहुत पसंद आता है और फिर सायो का बड़ा भाई उसे शिखर पर ले जाता है और शिकार पर करने को कहता है। फिर रियो तीर कमान से सबको अपनी पावर दिखाता है जिससे वो बहुत जेलस हो जाता है और वो रियो से बहुत बुरा बिहेव करने लगता है। रियो अपने नहाने के लिए घर बनाता है लेकिन सबको यूज़ करने देता है। उसकी ग्रैंड मदर उससे पूछते कि क्या विलेजर्स द्वारा हार्वेस्ट किए गए ग्रीन्स को कैपिटल तक ले जा सकता है और रियो मान जाता है। एक दिन कुछ लोग गांव में आते हैं और उसमें से एक साथ के गांव के लीडर का बेटा होता है। वो बहुत गलत बिहेव करते हैं और सायो के भाई पर अटैक करते हैं। फिर रियो की ग्रैंड मदर उन्हें रुकने को कहती है और उन्हें एक दिन के लिए गेस्ट हाउस में रुकने को कहती है जब तब उसका कैरेज ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर बिना परमिशन के वो गेस्ट हाउस छोड़ नहीं सकते। वो एग्री करता है और रियो के पास से गुजरते टाइम रियो को किक मारने की कोशिश करता है लेकिन वो खुद ही गिर जाता है। उस रात को दूसरे 3 लोग भी उसी रूरी में एंटर करते हैं और सीओ के रूम में उसको परेशान करने लगते हैं और घुसते ही, लेकिन उन्हें रियो रोक लेता है जो गुस्सा हो जाता है और उन्हें मारने लगता है। रियो इन सबको बहुत मारता है। उनको टैक्स इन्वेस्टिगेटर देख रहा होता है और जो उनके साथ ही रुकता है। उस रात के लिए ही उनको हील कर देता ताकि वो मरे नहीं और कैपिटल में उनको गिरफ्तार करने की खबर भेज देता है। रूई और एसीओ रियो को थैंक यू बोलते हैं और उस टाइम रियो बहुत गुस्सा हो गया था क्योंकि वो उस आदमी को मार सकता था। फिर लतीफ़ा और दूसरी लड़कियां उसके रूम में आ गई और उससे हैरान हो गई। लड़की अपने स्लीप से उठती है और कहती है कि उसकी आत्मा है और रियो को नहरूतो के नाम से बुलाती है और जो उसका नाम पिछले जन्म में था, और वो रियो को बताते कि उसको अपना नाम नहीं पता और अपने पास्ट के बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। रियो लड़की को पहचान लेता जिसको उसने तब देखा था जब वो यंग था और उसने उसे स्पिरिट मैजिक यूज़ करना सिखाया था। एशिया ये देख के हैरान हो जाती है कि एक दूसरे को टेलीपैथी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। दूसरी लड़कियां रियो को ड्रायस से मिलने को कहती है क्योंकि वो भी एक पर्सन शेप्ड स्पिरिट है और शायद वो उसके बारे में बता सके।
वो ड्रायस से मिलते हैं और ड्रायस ये जान के हैरान है कि एशिया को अपने पास्ट के बारे में नहीं पता है। ड्रायस उससे पूछते कि कौन सा एलिमेंटल मैजिक परफॉर्म कर सकती है वो, और एशिया कहती है कि उसे सारे मैजिक के बारे में पता है। फिर ड्रियस एशिया रियो के बीच में कनेक्शन ढूंढते क्योंकि रियो को भी सारे एलिमेंटल मैजिक पता थे। स्पेयरिंग सीजन स्टार्ट होता है, रियो हैरान हो जाता है कि एशिया को उसके सारे मूव्स के बारे में पता है और जो मैजिक वो कर सकता है वो एशिया भी कर सकती है। वो कुछ देर के लिए लड़ते हैं एक दूसरे से, फिर ड्रियस बीच में आ जाती है। उसे पता लगता है कि एशिया एक मल्टी एलिमेंटल स्पिरिट है और उसे अपने मेंटोरशिप में ले लेती है और उसे स्पिरिट्स के बारे में सब कुछ सिखाती है। 2 मंथ्स बाद वहाँ से जाने का टाइम आ जाता है और बड़े लोग फिर उन्हें गिफ्ट देते हैं जो कि एक पोर्टेबल हाउस है, एक क्रिस्टल है जो उन्हें कहीं से भी वापस विलेज में टेलीपोर्ट कर सकता है, और एक मैजिकल ईयरिंग है जो उसके बालों को कलर बदल सकती है। वो अकेडमी जाने से पहले एक रात कैपिटल में बिताते हैं और उसे वहाँ रिसर्च रूम में कोई नहीं मिलता और पूरा खाली था। एशिया रिसर्चर्स को हिप्नोटाइज करती है और उनसे सीलिया का लोकेशन पूछती है और वो बताता है कि सीलिया चार्ल्स के कैसल में है जिसने रियो को टॉर्चर किया था जब वो यंग था, और चार्ल्स उससे कल शादी करने वाला है। रियो अकेडमी से निकलता है और कैसल पर तुरंत जाता है और जहाँ पर बहुत सारे गार्ड्स हैं। एशिया की मदद से वो अंदर चला जा पाता है और सीलिया को ढूंढ लेता है। सीलिया रियो का देख के बहुत ही खुश होती है और बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने लगती है। रियो सीलिया से पूछता है कि तुम कल शादी क्यों कर रही हो। उसके बाद सीलिया बहुत दुखी नजर आती है। वो झूठ बोलते कि चार्ल्स से शादी करना चाहते क्योंकि ये उसकी ड्यूटी है। फिर सीलिया रियो से कहते कि अच्छा तुम आ गए लेकिन अब तुम जा सकते हो, और उसे बाहर निकाल देती है। रियो कैसल से बाहर आ जाता और किसी भी हालत में शादी को रोकना चाहता है। अगले दिन रियो क्राउड में खड़ा हो जाता है और जैसे ही रथ रुकता है तो सीलिया नीचे उतरती है और अपने नकाब को हटा के उसे पास भागता है। रियो वहाँ पे सबकी पिटाई भी करता है और चार्ल्स अपने गार्ड्स को उसे मारने को कहता है, लेकिन रियो बहुत तेज़ी से चार्ल्स के पीठ पे घुसा मार के उसे बेहोश कर देता है और रियो सीलिया को उठा के वहाँ से भाग जाता है। वो सीलिया को एशिया को दे देता है और उसे किंगडम से बाहर ले जाने को कहता है। फिर वो बाहर गार्ड्स को मारने लगता है, तभी कंट्री का बहुत स्ट्रॉन्ग स्वॉर्ड्समैन वहाँ आ जाता है जिसका नाम अल्फ्रेड है। रियो से वो लड़ना स्टार्ट करता है। रियो को उसकी पावर के बारे में पता लग गया था इसलिए रियो उसके अटैक सिर्फ बचने लगता है क्योंकि उसे मारना नहीं चाहता। अल्फ्रेड को डिस्प्रेस्ड लगती है और इसलिए वो रियो पर अपना स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक यूज़ करता है जिससे आसपास बहुत तबाही होती है। रियो अटैक से बच के वहाँ से भाग जाता है। किंगडम के बाहर सीलियर एशिया से मिलता है और एशिया को उसकी हेल्प करने के लिए थैंक यू बोलता है। फिर एकदम से कहीं से बहुत तेज लाइटनिंग होती है और एशिया रियो से वहाँ जाके उन्हें बचाने को कहती है। रियो को नहीं पता कि एशिया क्या बोल रहे हैं, लेकिन वो उस जगह जाता है और देखता है कि कुछ लोग ह्यूमंस को किडनैप कर रहे हैं। रियो वहाँ जाके उनको मार देता है और बच्चों को बचा लेता है। फिर उसे पता लगता है कि उन्हें इस दुनिया में टेलीपोर्ट किया गया है। फिर रियो दूसरा गेट खोलता है तो उसे अपने पिछले जन्म की दोस्त मिली मिलते जिसे बहुत प्यार करता था। फिर मिली उसे बचाने के लिए शुक्रिया कहती है और इस तरह सीजन 1 खत्म हो जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए।